हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा के रिगार्डिंग। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि इसका विज्ञापन कब जारी होगा और साथ में इसका एग्जाम कब होगा, साथ में पदों की संख्या आपकी क्या रहेगी, इसी मुद्दे पर इस वीडियो में आपका बात करेंगे। सर सर दोस्तों, हम बात करते हैं इसके विज्ञापन को लेकर के। जैसा दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लगभग 1 महीने पहले जो इसका विज्ञापन जारी होगा वो आपका चुनाव के बाद जारी होने की संभावना है। यानी दोस्तों, आप मान सकते हो जो विज्ञापन है आपका जून में, और या फिर दोस्तों आपके जुलाई के महीने में, यानी जून के लास्ट में या जुलाई में आपका जो विज्ञापन है वो आपका जारी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली होगी आपको कि जो उसका एग्जाम होता है, कि एग्जाम में दोस्तों तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता है। यानी दोस्तों, इतना मान लो जिस दिन आपका विज्ञापन जारी होगा तो उस दिन के बाद लगभग 1 महीने तक आपका फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लगभग आपका 20-25 दिनों में आपका एग्जाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपकी पहले एग्जाम डेट घोषित करेंगे कि इस दिन आपका एग्जाम होगा, ऐसा नहीं करते जल्दी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो आपका फॉर्म बंद हुए तो हो सकता है कि फॉर्म भरने के आपके 10 से 15 दिन बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो जारी आपका कर दिया जाए। तो दोस्तों, इतना मान लीजिए जब भी आपका विज्ञापन जारी होगा तो विज्ञापन से आपके 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर जो आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप सोचो कि पहले एग्जाम इसका इस पर इसका विज्ञापन आया तो हम तैयारी करेंगे, तो दोस्तों फिर आपको इतना समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। अब हम बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के, कि वैकेंसी कितनी आपकी रहने वाली है। जैसे दोस्तों, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, कोई आपको 900 वैकेंसी बता रहा है, कोई 950 बता रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए इतनी वैकेंसी आपकी नहीं आने वाली। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो आपकी पदों की संख्या इसमें रहेगी वो लगभग आपकी 350 से लेकर के 450 के आसपास रहेगी, जो कि दोस्तों मैं आपको 2 से 3 महीने पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इतने के आसपास ही जो आपकी पदों की संख्या रहेगी आरओ एआरओ दोनों को मिला करके। तो दोस्तों, इतने देख कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हो इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर ओ की, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही देखिए, अगर दोस्तों आपको जीएस के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, ठीक है। तो नोट्स से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और दोस्तों साथ ही पता होगा, इसमें क्या होता है, इसमें 2 पेपर आपके होते हैं। एक पेपर दोस्तों रिटन होता है जीएस का, जो कि आपका 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का, और 200 आपके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपके जो नेगेटिव मार्किंग वो आपकी नहीं होती है। और दोस्तों दूसरा पेपर होता है आपका टाइपिंग का, यानी कि आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी होती है, जो कि पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है। और साथ देखिए, आपके क्या करना होता है, 500 शब्द होते हैं आपके, वर्ड होते हैं, जो कि आपको 20 मिनट में आपको टाइप करने होते हैं, ठीक है। तो यानी दोनों पेपर में, यानी कि जो आपके मेरिट बनती है वो आपकी 250 मार्क्स पर बनती है। और कट ऑफ तो पता ही होगी, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ आपकी जाती है, तो आपको अच्छी खासी तैयारी इसमें करनी पड़ेगी। सैलरी आपकी अच्छी, तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। अगर दोस्तों कोई आपके मन में डाउट है, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। साथ ही दोस्तों बता दो, जीएस में क्या होता है आपका, इसमें देखिए जितने भी आपके सब्जेक्ट जीएस के, इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यूपी जीके, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, तो ये सब चीज़ तो आपकी पूछी जाती है। साथ में इसमें कंप्यूटर आपका आता है, और इसके अलावा आपका हिंदी और इंग्लिश भी इसमें आपकी पूछी जाती है। पहले दोस्तों क्या होता था आपका, 2021 से पहले जो वैकेंसी आपकी आती थी उसमें 50 क्वेश्चन जो थे वो आपके इंग्लिश से पूछे जाते थे। लेकिन 2021 में आपको जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। 2021 से मार्च आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश से। तो यानी जो बच्चे आपके इंग्लिश में कमजोर हैं उनके लिए अच्छा मौका आपका है। और साथ में इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।